मलीर वाली मिर्ची है बारीक सी, माशाल्लाह इसका पौधे का माल देख सकते हो कितना प्यारा प्यारा है। ये देखें कितना फ्रेश फ्रेश है, कलर देख सकते हो। अभी हम धनिया निकालेंगे, इसकी माशाल्लाह खुशबू इतनी प्यारी है ना, इतनी अच्छी अच्छी खुशबू आ रही है, क्या बताऊं मैं आपको, क्या बता सकता हूं मैं आपको। ये हम कौन की खेत में खड़े हैं ये चेक करेंगे पहले, जा रहे हैं। ये कौन जो है व्हाइट कौन है ये इसकी देख सकते हो, आ जाओ नजदीक आ जाओ। ये देख व्हाइट कौन है, ये सही है, इसका सिट्टा चेक कर सकता हूँ, करा सकता हूँ। तो ये पहले दाना इसका चेक करेंगे, ये दाना माशाल्लाह हमारे लिए सूप के लिए अच्छा है। ये देख ये व्हाइट है, पूरा व्हाइट है। तो ये भी है, ये भी मैंने अभी चेक किया है तो माशाल्लाह सही है, बस ये भी बहुत है। आ जा अभी मैंने कौन निकाल दिया इसका, दोनों सिटे भरे हुए हैं और दोनों मेरे पास व्हाइट हैं, मोती की तरह है। देखो ऐसी कौन देखी आपने, अगर आपने देखी है तो मुझे कमेंट्स करके लाजमी बताना। ये है गाजर, मूली, ये गाजर का पौधा है और ये मूली है। मूली की खेत में है और मूली और गाजर, ये है हमारे पास गाजर और गाजर अभी कच्ची है, अभी मूली तैयार हो गई है। तो मूली भी चेक करेंगे पहले कौन सा दाना निकालना है। ये सही है, ये दाना निकालेंगे माशाल्लाह। ये मूली है ताजी ताजी फ्रेश फ्रेश। ये है लहसुन हमारे पास, ये है देसी लहसुन और ये है मोटा लहसुन जो होता है ना, ये है। इसका पत्ते में भी फर्क है, ये देसी लहसुन का पत्ता हल्का है और ये जो होता है चाइना जिसको बोलते हैं वो मोटा पत्ता है इसका। तो इसका भी हम दो दाने निकाल देंगे सब्जी के लिए, जितनी हमारे को ज़रूरत होगी दो दाने तीन दाने निकालेंगे, लाजमी नहीं। तो अभी एक तोड़ा मैंने, एक टूट गया एक निकल आया, ये हमारी वजह से जो हमारे को निकालने नहीं आता दाना। ये माशाल्लाह सही आ गया, बस हमारे को चाहिए दो दाने बहुत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आज देसी मुर्गी का हम बनाएंगे सूप बनाएंगे, इसके लिए हम इसको साफ कर देंगे। आग जला देंगे, इसमें रह रहा है आग हमारी तैयार हो गई, इसके ऊपर अभी कढ़ाई रखा देंगे। ये भी डाल दूंगा, ये देसी मुर्गा है पूरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये अभी इसमें धनिया लगा देंगे, ये मेरे पास लहसुन का एक जव है और ये देसी लहसुन है वो भी इसमें डाल दूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये कौन है हमारे पास व्हाइट कौन, देखो कैसा खूबसूरत है दूध की तरह।
ये इसमें से दूध निकल रहा है। और इसके ऊपर जाएगा नमक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी सब्जी काट देंगे। उसमें सब्जी में मेरे पास है ये लहसुन का एक जवे है, और ये प्याज है, और तीन मेरे पास शिमले हैं, और तीन मेरे पास गाजरें हैं, दो तीन मेरे पास मरीन मिर्ची हैं। अभी ये मैंने काट दिया, शिमला काट रहे हैं। चिकन हमारा पक रहा है। चिकन का चू बड़ी अच्छी आ रही है माशाल्लाह। ये भी गल गया है चिकन, थोड़ा और गले क्योंकि टिंडा छोटा था ना किलो का। और उसमें हर चीज की खुशबू अलग आ रही है, लहसुन की खुशबू अलग आ रही है, इसकी कौन की खुशबू अलग आ रही है। तकरीबन 30 मिनट हो गए पकने के, ये तकरीबन तैयार होने वाला है, पर और थोड़ा पके मेरे हिसाब से। अब ये कौन के सिटे निकाल दूंगा मैं। में दाने बिल्कुल नरम हो गए अभी, बस अभी इसके भी दाने निकाल दूंगा माशाल्लाह। अभी दाने इसके में दाने की कुटाई कर दूंगा। कुटाई कर देंगे। ये माशाल्लाह नरम है, बस थोड़ा सा हल्का हल्का सा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी मेरे पास चिकन गल गई है, यखनी तैयार हो गई है। अभी इसको हम छानी कर देंगे। अभी इसका पानी ये छानी कर देंगे। तेल ऐड कर दूंगा। खांचे मच आए ले हमें। अभी ये मैं इसमें गाजर है, शिमला, मिर्ची और ये लहसुन के जवे जो है वो। हल्की सी हल्दी जाएगी। इसमें जो ये कौन निकाला था माशाल्लाह, अभी देख सकते हो कलर इसका। अभी ये जो यखनी थी मेरे पास ये इसमें डाल दूंगा। I am not going to get money.
अभी मैं इसमें किलो डेढ़ पानी का डालूंगा और अभी इसमें जाएगा काली मिर्ची। काली मिर्ची में छोटी इलायची भी दो दाने मैंने कूटे थे। अभी जाएगा इसमें कॉर्न फ्लावर। माशाल्लाह हमारा सूप तैयार हो गया। अभी जाएगा इसमें अंडे। दो अंडे मैंने तोड़ के रखे थे। उसके बाद जाए ये डिश आउट कर देंगे, बाउल भर देंगे। अभी इसको माशाल्लाह इसका जायका चेक करते हैं। गरम बहुत है। बहुत ही अच्छा है माशाल्लाह। लाइक और शेयर लाजमी करना।